रहा है, आज जो इंटरवेंशन जो हो रहा है, और उस समय जब तय हुआ था कि 17 तारीख को होगी, तो शरद जी हमसे कह रहे थे कि अपने गवर्नमेंट को भी कह दो कुछ लोग आने के लिए, लोगों की जरूरत होगी कन्वेंशन। लेकिन आज आकर यहाँ पे जब देख रहा हूँ मैं, यहीं पर नहीं लेकिन दूसरे मुगल दरबार में भी पूरा बैठा कर भरा हुआ है, बाहर भी साथी है, तो आज किसी लोगों को जुटाने की जरूरत नहीं है। जो भारतवासी है, जो देशभक्त है, वो अपने आप आज निकल कर आ रहा है सड़कों पे। वो नारा जब मेरे बचपन से हम सुनते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के चार सिपाही, और ये सिपाही आज उतर रहे सड़क पर, और हम लोग सब इस भारत के सिपाही है, इस खानी विरासत के सिपाही है, इसको बचाना है। आज सवाल किसी चुनाव का नहीं, उससे भी बड़ी सवाल, बड़ा सवाल है कि क्या ये चरित्र हमारे भारत का, जो हमने हासिल किया बड़ी लंबी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सैकड़ों शहीद हो गए, क्या इस शरीर को, इस सारी विरासत को हम क्या बचा पाएंगे कि नहीं, आज वो चुनौती हमारे सामने है। और उस चुनौती के साथ बहुत कुछ बातें हुई है, दोहराना नहीं चाहता हूं मैं। चुनौती के साथ एक बहुत ही एक गंभीर बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कही है, जब भारत छोड़ो आंदोलन का 75वीं सालगिरह मना रहे थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कह दिया कि 1947 से 1942 से 1947 तक जो 5 साल का जो प्रगति हुई है देश की आजादी के लिए, उसी तरीके की प्रगति आज भी होनी है 1917 से 1922 तक। अब इसके अंदर एक खतरनाक बात, 1942 से 1947 तक आजादी तो जरूर हासिल किया है, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। यही 5 साल से इसके अंदर कौमी दंगे इतने बड़े तादाद में बढ़ गए, ब्रिटिश हुकूमत ने मदद करके बढ़ाया, एक भाई को दूसरे भाई से मरवाया, एक बहन की इज्जत लूटने पर वो हालत पैदा कर दी, क्या पर देश का बंटवारा ही हुआ। कहीं प्रधानमंत्री का इशारा उन 5 सालों के मतलब इसकी तरफ तो नहीं है, ये करना है हमें, और इस खतरे से हमें बचाना है, तो ये साझी विरासत हमारी बच नहीं पाएगी। ये साझी विरासत का मतलब क्या है? ये साझी विरासत की बात जो हम कहते हैं, पहली आजादी का जन्म जब हुआ था 1857 काली झांसी लक्ष्मीबाई दांत यादव के कई सारे नेता पहुंचे कहां पर, लाल किले के, लाल किले पे, और वही बहादुर शाह सर, वही बाबर की औलाद जो कहते हैं हमारे उसी से कहा कि हमारी भाषा आप रहेंगे। एक हिंदू रानी जो पूजा करके अंदर है, अभी गुजरात के चुनाव की बात बोले थे हम भाई, और आप आ गए, ये अच्छा, ये अच्छा शुरू है, अच्छा शुरू है। अब 1800 आपने कभी एक बार सोचा कि हर हमारे स्वतंत्रता दिवस पर देश का प्रधानमंत्री संबोधित करता है देश को लाल किले से, क्यों? जब हमने ब्रिटिश की झंडे को उतारा और अपना तिरंगा को फहराया तो फहराया लाल किले पर, क्यों? आपके राष्ट्रपति भवन पे क्यों नहीं किया, जो गढ़ था, जो पूरा मंदिर था, लाल किले क्यों पहुंचे? क्योंकि वो लाल किला था जहां से पहली आजादी की प्रोक्लेमेशन बहादुर शाह जफर पढ़ते हैं बगल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जो हर दिन सुबह पूजा करके तिलक लगा के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने उतरती थी, एक हिंदू एक मुसलमान। बहुत सारे बल्लभगढ़ के राजा, कई सारे नवाब, कई सारे लोग जो है उस समय जुड़े हुए थे इस संघर्ष में, और ये साझा विरासत वहां से जो पैदा होती है उसको ढूंढने पूरी पूरी कोशिश आज की जा रही है। आज अगर आप देखो ये साझा विरासत का मतलब हमारे संविधान में क्या है, धर्म की बात करते हैं लोग, धर्म के बारे में हमारे समझ क्या है हमारे संविधान में, धर्म एक व्यक्तिगत बात है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में संबंध,
कौन होगा वो परमात्मा, सिर्फ यह आत्मा सुन सकती है। कोई भी परमात्मा के कथन नहीं दे सकता कि आज राम की पूजा क्यों हो रही है, कृष्णा के आपसे नहीं पूछ सकते मेरी पूजा क्यों नहीं कर रही। ये आपकी हमारी सबकी व्यक्तिगत राय, और इस आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध में किसी को दखल देने की अधिकार नहीं। और वही कथन आज किया जा रहा है ये कहते हुए कि यही एक ही धर्म के लोग रहेंगे भारत में, और भारत को एक हिंदू पाकिस्तान के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है। इसका विरोध करना ही हमारी साझी विरासत, हमारे योजना गंगा योजना तहजीब का मतलब। कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, पहले से बहुत प्राचीन इतिहास। अगर हमारे गोल्डन टेम्पल अमृतसर का शिलान्यास हुआ तो एक मुसलमान पीर के हाथ से हुआ। आज भी अगर आप जाते हो आपके कैलाश मानसरोवर पे या अमरनाथ यात्रा पे, एक बार वहां पे उन चीजों की मुसलमान रहते। ये विरासत एक दिन का नहीं, ये विरासत आ रहा है सदियों से हमारे, और ये सदियों से जो विरासत आ रहा है, अब वही बाबू शासन पर जो मिलता है रंगून में, उसके आंख फोड़ दिए प्रिंसिपल अंधा, रंगून में एक कोयला लेकर अपनी बात लिखता है, अपने नजरे लिखता था दीवार पे, और वो क्या लिखा, इतना बदनसीब है सफर, दो गज जमीन भी ना मिली दफ्तर के लिए मुझे याद। अब इसे आप कहते हो कि ये देश पर चली, तो ये नहीं कहता मेरे देश में कुए यार में, कुए यार का मतलब समझिएगा जो उर्दू से जानते हैं। अब ऐसे मतलब लोगों के ऊपर आप आरोप उठाते हो जिन्होंने मिलकर ये विरासत हमें सौंपा, और ये विरासत जब सौंपा या फारूक साहब को आपने सुना, जब वो बोले कि मैं भारत का हूं और भारत का मुसलमान, और एक बात उन्होंने बोल के जब देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा जब हुआ हिंदुओं के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, चॉइस नहीं थी, मुसलमानों के पास था, वो जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की आबादी जितनी थी मुसलमानों की उस समय, उससे ज्यादा मुसलमान अपने हिंदुस्तान में रह गए। कहते हुए ये है मेरी जगह जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई है, अगर दफन हूंगा तो मैं यहीं पर हूंगा, और तुम छोड़कर वो गए। अब इस विरासत आप जो है अपनी मनमानी के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आप जो यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, जैसे बड़ा अम्बेडकर भाई ने कहा, इसका मतलब है सिर्फ मनवाद को लागू करने वाली बात। अगर उस तरीके की बात आप करना चाहते हो जो हिंदुस्तान जो भारत जहाँ पर आप वो भारत कर सके, तो आज इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, ये एक हमारी विरासत अपने मुल्क को बचाने की बात है। अगर मुल्क बचेगी तो चुनाव के अंदर जो मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं उनकी भी हार होगी, और वो हार हम सबको मिलकर देश के सिपाही के रूप में वो निश्चित करना होगा आज के दिन, वरना इस शांति विरासत को हम बचाएंगे। प्रधानमंत्री साहब के बारे में और नामों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, राहुल जी भी बोलने आपको याद होगा, एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे जो सिनेमा बनाते थे मनमोहन ने सर हमारे प्रधानमंत्री थी, उनके कई सारे फिल्में बनाते थे, वो बोले ठीक होते थे। उनसे आखिरी दिनों में किसी ने पूछा कि भाई आपका राज क्या है, सब फिल्म आप इतने बड़े हिट होते हैं आपका राज क्या, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि ये तो एक ही बात है, अगर फिल्म को आपको मतलब हिट होना है, और वो क्या पूछा क्या है बस बात, यानी जिस समय लोग आते हैं फिल्म देखते हैं और जिस समय तक फिल्म खत्म नहीं होती लोगों को सोचने लगते, अगर लोग सोचने लगेंगे तो फिल्म जो है कामयाब नहीं होगी, लोगों की सोच बदल जाती। प्रधानमंत्री का भी लॉजिक वही है, हर दिन एक एक नारा, हर दिन एक एक नारा, हर दिन एक एक नारा, पुराने नारे का क्या हुआ भाई, आज जो यूपी मुख्यमंत्री कहते हैं गंदगी है गोरखपुर में, उस वजह से हवा के बच्चे नहीं मरे, स्वच्छ भारत क्या हो गया तीन साल से, अगर गंदगी है गोरखपुर में, आप ही तो देवा से सात सात बीस साल से
ये सवाल मुझे लिए अवगत नहीं है, क्योंकि एक और आ रहा था, एक और सिंगर आ जाता है। यानी लोगों को सोचने मत दो, आप किस तरीके से वो अपनी विचारधारा और अपनी साजिश को लागू करवाते जा रहे हैं, तो इसका मुकाबला हमें आपको और करने की जरूरत है। ये सिर्फ चुनाव से चलने में नहीं होगी, ये होगी जमीन पर आंदोलनों के आधार पर, जमीन पर आप और हम सब मिलकर जिस तरीके की बातें जो हो रही है, जिस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं दलितों पे, अपने देशों पे, उसके खिलाफ अगर जमीन पर उतर कर हम नहीं लड़ेंगे तो इस साथी विकास हो जाएगा। तो आज तो मेरा एक ही मतलब आपसे निवेदन कि यहाँ पर जब ये गंगा जमुना की तहजीब की बात रखे, इसी के साथ साथ इस खतरों को भी हमें ध्यान में रखना है कि इनको इस हिंदू पाकिस्तान बनाने की साजिश को कैसे लागू करना है। आज फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को याद दिला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, कहते हैं कि फिर वापस नहीं आना चाहिए उस तरह की, लेकिन क्या है चुने हुए मुख्यमंत्री होंगी जो स्वतंत्रता दिवस पर रेडियो टेलीविजन पर जो भाषण देते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो सी पी एम से है रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन दिल्ली को भेजा उसका स्क्रिप्ट, दिल्ली ने कहा कि ये ठीक नहीं है तो वो दिखा, वो रिकॉर्ड करके उसको दिखाया। यानी ये तय करेंगे चुने हुए मुख्यमंत्री, लोगों ने वोट डाला, अगर वो कुछ गलत बोलते हैं कि असेंबली में उनकी इच्छाई हुई, जैसे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं लाल किले पे तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रख सकता, उनको हम पीछे की पाबंदी अगर उन्होंने गलत कुछ बोला, लेकिन अब ये तय करेंगे कौन सा मुख्यमंत्री क्या बोल सकता है। अब इस तरह के ये रुझान जो आज उभरते हुए आ रहे हैं और उसी के साथ हम सब पे हमला, अभी अभी आधे घंटे पहले एक रिपोर्ट आई खाली धंधे बारे, और वो रिपोर्ट बताया कि 2011 में कितना काला धन था, आज 2017 में वो काला धन का संख्या, वो जब 15,000 करोड़ कुछ काला धन था 2011 में, अब जो है वो बढ़कर 15,500 करोड़। यानी पूरा नोटबंदी करके हम काला धन को रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है सरकारी रिपोर्ट है, काला धन ये नोटबंदी के करते हुए काला धन को सफेद बनवाया, जो आपके काउंटरफीट करेंसी है नकली नोट है उस नकली नोटों को असली बना दिया, और कहते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आप काम कर रहे हो काला धन को सफेद बनाने के, नकली नोटों को सही बनाने के। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है जहाँ से आपको 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 कोई सुंदर साधन मिल रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए तरफ सुना आपने, आपके लिए मैंने साथी पहले 2 करोड़ हर साल नौकरियों की सूची की मारा, लेकिन अब रोजगार घट गई, हमारे अन्नदाता किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो आत्महत्याओं की संख्या अभी भी बढ़ रही है, वादा किया कि न्यूनतम दाम हम देंगे आपके कर्जे के डेढ़ गुना ज्यादा, 3 साल हो गए वो नहीं हुआ, कर्जे में डूब कर किसान मर रहा, 80% की हालत ये, 2 भारतों का निर्माण हो रहा है, एक चमकता हुआ भारत धनी लोगों के लिए और एक तरसता हुआ भारत पूरे बाकी हम सब के लिए, बाकी बाकी जनता के, ये अच्छी हालत है हमारे भारत की, हमारे भारत महान की बात है, सारे जहाज है रक्षा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं ये गुलशिता हमारा, अरे गुलगुले के रंग प्रधानमंत्री महोदय आर एस एस बीजेपी सभी कई रंग के पक्षी होंगे गुलिस्तान में, कई रंग के फूल होंगे गुलिस्तान में, अगर वो सब इकट्ठा वो पैदा नहीं होते और जिंदा नहीं रहते तो गुलिस्तान बचेगा, इस गुलिस्तान को बर्बाद करने वाली ये नीतियाँ जो हमारे शाखा विरासत को आज बर्बाद कर रहे हैं, इसको खिलाफ हम सबको लामबंद होने की जरूरत है, हमारी आग्रह ही राजनीतिक बातें विचारधारा है सब अलग, आज सिर्फ एक ही नारा देना होगा और वो नारा है आज अपने भारत को बचाना होगा, सिर्फ यही नारा होगा कि हमारे भारत को बचाओ, हमारे साझी विरासत को बचाओ, वरना इस मुल्क का कोई भविष्य ये ले जाना चाहते हैं अपने देश को भूत के अंधेरे, हम लोग सब ले जाना चाहते हैं अपने देश को भविष्य के उजाले में।
ये है असलीता, भूत का अंधेरा या भविष्य का उजाला, और उस भविष्य के उजाले में जाने के लिए शांति प्रदान करती होगा। एक बार आखिर मैं कहूँ पार्टी की तरफ, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर हमारे कई सारे इसी तरीके के दुश्मनों ने हमारे कॉमरेडों की को शहीद बनाते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ ताकि ये समझे कि हम सिपाही रहेंगे और लड़ते रहेंगे और आपका साथ देते रहेंगे। एक हमारा साथी था सब कई साल पहले, उसकी मौत हो गई थी, बड़े दिन से पता नहीं था कहाँ था। एक महीने बाद उसकी शरीर के टुकड़े जो है एक कुएं के अंदर एक बैग में लपेटे हुए वो वहां पे फेंका गया था। वो मेरा लेकर जब पहचान हुई डॉक्टरों की तरफ से कि ये वही है, तब क्या नारा दिया था, हमारे साथियों के जिसम टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं लेकिन इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, और ये हमारी कसम और ये हमारे शहर, ये हमारी हर सब रहे। तो आइए दोस्तों, और शरद भाई को मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ी लंबी हमारी रही है, 40 साल हो गए उसे भी ज़्यादा, छात्र नौजवान आंदोलन के समय, और इन्होंने जो आज ये इनिशिएटिव ले लिया, हम सब उनके साथ हैं। आज के दिन अगर इस शांति विरासत को बचाना है, उस जनसमूह की लड़ाई के सूत्रधार शरद यादव जी रहेंगे, और उनको उसको ये काम पूरा करना होगा, और ये वो करेंगे। संकल्प आज होनी चाहिए, इसी बात से आप सबको मैं ट्रेन देते हुए मेरी बात कर